जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला माँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 10। अब हम लोग आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि जितना इक्वेशन बनाना था 50 से ऊपर बना लिए, क्या 50-60 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब उसका यूज हम लोग किस में करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाए हैं सैकड़ों क्वेश्चन, वही ना हो जाएगा? उसमें था टू वेरिएबल वाला, नहीं था? तो मान लो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरा में डाल देंगे, तो वही ना हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई बड़ी बात नहीं है क्या? लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिस तो करना है क्या? प्रैक्टिस जब करना है हमको, तो क्वेश्चन तो हम कहीं ना कहीं से उठाएंगे, ठीक है? इसमें कितना टाइप का हो सकता है? इसका कोई अंत ही नहीं है। कोई अंत है तुम ही बताओ। जैसे नंबर वाला हो गया, एज वाला हो गया, कोई दो ऑब्जेक्ट वाला हो गया, नहीं मेंसुरेशन वाला हो गया, ज्योमेट्री वाला हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस वाला हो गया, कोई अंत है? वाटर वाला जो होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, वो हो गया, कोई इसका अंत नहीं है। नंबर वाला में ही आओ तो वन वेरिएबल मेला भी ले लेगा, माने कि दो नंबर वाला ले लेगा, तीन नंबर वाला भी ले लेगा, नहीं टू डिजिट वाला नंबर, थ्री डिजिट वाला नंबर। तो इसमें है कि आपका माने ब्रेन कितना शार्प है और कितना आप लेबर करके आए हुए हैं। दो ही चीज ना है, या तो आप गॉड गिफ्टेड है, भगवान आपको ब्रेन दिए हुए हैं, एक बार सुने एक बार देखे बस कालिदास हो गए, ठीक, या नहीं तो मेरे तरह लेबर करते 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 वहां पर जाइए। अब अपने आप को सोच लीजिए, आपका दिमाग कैसा है? यदि आपका दिमाग है एकदम क्या, तब क्या कीजिए? छोड़ दीजिए, एक बार देखिए, बात खत्म। मेरे तरह है मान लीजिए, तब मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन हम आते हैं नंबर, इसमें आते हैं नंबर में, पहला क्वेश्चन हम आ जाए नंबर में। तो नंबर मान लो कोई दो नंबर ले लो, अपने मन से क्वेश्चन बना लो, ठीक है? जैसे एक नंबर हम लोग ले लिए 5G, दूसरा ले लिए 10, दो नंबर मानी आंसर हुआ, रूट्स हुआ, सॉल्यूशन हुआ, इससे हमको क्वेश्चन बनाना है। तो अपने से क्वेश्चन बनाओ, क्या बनाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन जैसे इसका हो जाएगा कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, नहीं हो गया क्वेश्चन? सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, फाइंड नंबर्स। तो क्या निकालना है? फाइंड नंबर्स। क्या मानता है? एक नंबर मानता है क्या? एक्स मानेगा, ठीक। तो मान लो लेट वन नंबर बी कितना? एक्स। अदर नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम 15 है, इसीलिए अदर नंबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी क्या, एक्स का और 15 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है? 50, यानी 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 50, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50 इज इक्वल टू कितना? 0। माइनस उड़ा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ले लो तुम, फैक्टराइज करेगा इसके बाद, बहुत सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 5 माइनस 10 कॉमन लिया एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? 0, यानी एक हो गया एक्स माइनस 5, दूसरा हो गया एक्स माइनस 10, यानी एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू 10। तो एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 लिए तो दूसरा क्या हो गया? 10, या वो 10 ले लिए तो दूसरा क्या हो गया? 5, ठीक है? बात खत्म, ठीक। इसी क्वेश्चन को तुम किसी को मन करेगा हम ऐसे नहीं बनाए, ठीक है? ऐसे नहीं बनाए तो कैसे बनाए? दूसरा सोच के देखो, दूसरा
दूसरा सोच के देखो तो क्या करेगा और वो? मान लो मेरा विचार है कि हम इसी को लेके चले कि प्रोडक्ट 50 है, कितना है प्रोडक्ट 50 है, ठीक। मान लेते हैं हम लोग कि लेट वन नंबर बी कितना x, तो अदर नंबर कितना होगा 50 बाय x नहीं हो जाएगा, ये भी तो गलत नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है मेरे पास 50 हो गया। अब इसको ले लेंगे, अब इसका सम कितना होना चाहिए 50। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 50 बाय x इज इक्वल टू कितना 15, एलसीएम कितना आ गया x, x स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू कितना 15, एंड x स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू कितना क्या हो गया जी 15x ना, 30 कैलोरी आ गया 15x, एंड x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। फिर आ गया वहीं पर इक्वेशन, सबकी अपनी अपनी मर्जी, जिसको जिसे मन होगा बनाने का। अच्छा, किसी को मन होगा कि हम ऐसे नहीं बनाए, देखो आना सबको वही है। जैसे मान लो कोई कहेगा ठीक है हम ऐसे करते हैं कि एक नंबर को लेट, फर्स्ट नंबर को मान लिया x और सेकेंड नंबर को मान लिया y, जैसे टू वेरिएबल बनाते थे, ठीक। इस हिसाब से सम ऑफ टू नंबर कितना 15, यानी x प्लस y इज इक्वल टू कितना 15। अच्छा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, यानी x y इज इक्वल टू कितना 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये मान लो कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इससे हम x बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई, वो वैल्यू ला करके यहां रख दो, क्या लिखेगा 15 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 15, यानी क्या 15 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 नहीं, इसका मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 15 वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 0। फिर वही चलाया नहीं चलाया, कॉमन ले लेगा वाई का वैल्यू आ जाएगा, अब वाई का वैल्यू आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहता है, ठीक है। किसी का मन होगा, सबका अलग अलग मन, सबके लिए अलग अलग तरीका। यहां तक आ गया, किसी का मन होगा कि भाई उस सबको छोड़ो, मेरे पास तो यहां ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या ऑप्शन है यहां पर x प्लस वाई इज टू 15 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है, इससे हम a माइनस बी निकाल लें क्या, तो उससे क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 4xy, यानी x प्लस वाई कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना 15, यानी कितना 225 माइनस कितना 200 बराबर कितना 25, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स माइनस वाई बराबर कितना 5। अब तुम बैठा दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी क्या 2x इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 5। तुम्हारे ऊपर, यानी हमको सिर्फ दिखाना था कि एक क्वेश्चन को तुम कितना प्रकार से कर सकता है, तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तब, समझा। यदि तुम्हारे पास समय है ठीक तो उसको करो, नहीं समय है तो ठीक है। इस प्रकार देखो, हमारा ये काम नहीं था कि एक क्वेश्चन बताना, हम कह रहे कितना टाइप से आप बना सकते हो, दुनिया में कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, क्या बात समझ रहा है। जैसे नंबर वाला कोई अंत नहीं है, हम क्या करें कुछ कुछ बताते जाते हैं। जैसे मान लो कि एज वाला है, एज वाला ही क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जिसका नाम है अदिति, ठीक है, एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है आदर्श, दो बच्चा है, दोनों भाई बहन है, ठीक। हमको पता है कि इसका जो एज है वह है कितना
16 years, ठीक है, और इसका जो एज है वह है 13 years, हो गया, ये तुम्हारा आंसर हुआ। अब इससे तुम कितने टाइप का क्वेश्चन बना सकता है सोच के देखो। क्या सबसे पहली बात कि जैसे इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं, अदिति इज 3 years ओल्डर देन अदर्स, ठीक है, सम एंड सम ऑफ देयर एज इज कितना 39। बस हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम इसको बना सकता है। अदिति इज 3 years ओल्डर देन आदर्श, अदिति आदर्श से 3 वर्ष बड़ी है, अदिति आदर्श से 3 वर्ष बड़ी है, अदिति आदर्श से 3 वर्ष बड़ी है, यानी आदर्श का पता लगाओ। लेट आदर्श एज कितना मान लिया एक्स, तो अदिति का एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है। अच्छा यदि हम सम दे दिए तो मेरा सीधा हो गया क्वेश्चन, नहीं तो हम क्या देते हैं प्रोडक्ट बना देते हैं इसको, एंड सम नहीं दे करके यहां कर दो, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इसका 208, कितना हो गया 208 प्रोडक्ट। अभी दोनों का प्रोडक्ट निकालो, x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 208, यानी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 208 इज इक्वल टू कितना 0, ये ना, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, या तो हमको पते है x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 13x माइनस कितना 208 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए x प्लस 13 कॉमन ले लिए x प्लस 16, यानी x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू माइनस 16, एज तो माइनस में नहीं लेना है, x हम क्या लिए 13, और जब x 13 लिए तो ये क्या हो गया 16, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यदि हम चाहें और नया क्वेश्चन बना दो इसी को, क्या कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है, अरे इसको यदि हम चाहें तो 100 क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, जैसे एक चीज देखो, इसको और क्या कर सकता है, लिखेगा आदर्श हाँ, इज 3 years क्या स्मॉलर शॉर्टर क्या देन क्या अदिति, हो गया। अच्छा एक काम करो, बिफोर 3 years 3 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा 10, हो गया हैं, और इसका 6 साल पहले एज कितना हो गया 10, ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है कि आदर्श का एज 3 साल पहले हैं, अदिति के एज के 6 साल पहले के क्या है बराबर है, अभी प्रेजेंट एज का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नहीं यानी क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, आपका दिमाग फ्रेश रहना चाहिए, ठीक, यहां बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं देख रहे हैं तब नहीं होगा, यहां बैठे हुए हैं दिमाग है टीवी पर तब नहीं होगा, समझ गया, यहां बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं मम्मी कब जाएगी किचन में कि मम्मी का मोबाइल लेकर के गेम खेलने लगेंगे, तब नहीं होने वाला। अब हम क्या करें इसमें, इसमें हमारा विचार है क्या हम करें, जैसे अब नंबर वाला, हाँ एक नंबर वाला और ले लो, कहाँ गया जी, नंबर वाला ले लो, जैसे एज वाला था नंबर वाला में और चलो,
की ऑड नंबर होता है या उससे भी पहले आओ, कहेगा फाइव कंजीक्यूटिव, फाइव कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्या मानते हैं हम लोग, एक मानेंगे x, तो दूसरा क्या x प्लस वन, तीसरा क्या x प्लस टू, चौथा क्या x प्लस थ्री, पांचवा क्या x प्लस फोर, इसी प्रकार से और जितना ज्यादा होगा चले जाएंगे। यदि कहेगा फाइव कंजीक्यूटिव ऑड नंबर, फोन नंबर ऑड नंबर, तो क्या मानेंगे, एक x, उसके बाद x प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट। यदि कहेगा मान लो कि फाइव कंजीक्यूटिव इवेन नंबर, तो क्या करेंगे, x, x प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट। नहीं, यदि कहेगा क्या कि फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव कंजीक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री, ठीक है, थ्री का मल्टीपल्स क्या होगा, x, x प्लस थ्री, x प्लस सिक्स, x प्लस नाइन, x प्लस ट्वेल्व, नहीं होगा। अभी समझ गया नंबर वाला भी, कोई क्वेश्चन बना दो कहीं से बनाओ, उससे क्या अंतर है, ठीक। जैसे अब क्या कहे, क्वेश्चन क्या क्या बना लेगा, जैसे मान लो कोई दो नंबर ले लिया हम कंजीक्यूटिव वाला में, एक ले लिए 20 और एक ले लिए 21, ये क्या हो गए नंबर, ये क्या क्या लिखेंगे क्वेश्चन, इसको सम ऑफ टू कंजीक्यूटिव नंबर, सम ऑफ टू कंजीक्यूटिव नंबर इज 41 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना 420, नहीं तो नंबर मानिएगा एक x, दूसरा क्या मानिएगा x प्लस वन, ये पर कर देते हैं 20 और क्या कर दें 22, डिफरेंस ऑफ एनी टू क्या कंजीक्यूटिव इवेन नंबर इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना 440। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, चल ऐसे ही इवेन नंबर में ऑड नंबर में जाता जाएगा। अब हमको कुछ क्वेश्चन लिखा देना जरूरी है, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो और तब आगे से हम फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताते जाएंगे और उसको आप बनाते जाएंगे, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन सिर्फ मेरा नंबर से रहेगा, ठीक है, चार पांच क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर वन, टू नंबर्स डिफर बाय थ्री, टू नंबर्स डिफर बाय थ्री एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर टू, डिवाइड 57 इंटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 782, डिवाइड 57 इंटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 782। क्वेश्चन नंबर थ्री, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। क्वेश्चन नंबर फोर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंजीक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 394, फाइंड द इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नहीं फाइव, फाइंड टू कंजीक्यूटिव पॉजिटिव इन, फाइंड टू कंजीक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिटरमाइन टू कंजीक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री हुज प्रोडक्ट इज 270, ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ, सिक्स हो गया, ठीक है, खाली नंबरे वाला देना है ना,
वो टू नंबर वाला में नहीं जाना है, टू डिजिट नंबर वाला में नहीं जाना है, हमको इसी में से देना है। तो छह हो गया, सेवन लिखो। फाइंड टू सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ फाइव हुज प्रोडक्ट इज 300। ठीक है, अगला लिखो, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25। 6/25, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अगला, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 130। ठीक, द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द लार्जर नंबर इज 25। डिटरमाइन द नंबर। ठीक है, अगला लिखो, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4। फाइंड द नंबर। ठीक है, अगला लिखो, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल ऑफ 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। अगला लिखो, डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। कितना हो गया, 10-12 हो गया होगा क्या, बस इतना ही बनाएगा। ठीक, चलो, जय मां बंगला मुखी।